ये 7th क्लास का 10th चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। एक दिन बूझो ने बहुत ईगरली वेट किया अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, जो कि अपने टाउन से आ रहे थे एक साल के बाद। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। वो अपने दादाजी को बस स्टॉप से रिसीव करना चाहता था। वो बहुत तेज़ दौड़ा और जल्दी से कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुंच गया। वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। दादाजी ने पूछा, तुम इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हो? बुझो ने बताया कि वह दौड़ता हुआ आया है पूरे रास्ते। क्वेश्चन उसके दिमाग में स्टक कर गया। बुझो जानना चाहता था कि जब हम दौड़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं। उसका इस क्वेश्चन का आंसर था कि हम सांस क्यों लेते हैं। जो ब्रीदिंग होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चलिए आज समझते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, हम सांस क्यों लेते हैं। चैप्टर 2nd में आपने देखा होगा कि सभी ऑर्गेनिज़म्स हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं सेल। सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, मैंने पहले बताया था, जो स्ट्रक्चर बनाती है और जो फंक्शंस भी करती है। हर एक सेल ऑर्गेनिज़म्स की, हर एक सेल परफॉर्म करती है कुछ फंक्शन, जैसे न्यूट्रिशन का काम, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अपने जैसे प्रोड्यूस करना, एक्सक्रीशन मतलब खाना पचाने के बाद जो वेस्ट मटीरियल होता है उसको निकालना, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम खा रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है कि आप कह सकते हो कि क्यों हमारे पेरेंट्स रेगुलरली हमें खाना खाने के लिए कहते हैं। जो ये फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, इसमें एनर्जी रहती है और वो रिलीज़ होती है कब, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए सभी ऑर्गेनिज़म्स जो रेस्पायर करते हैं उनको एनर्जी खाने से मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अंदर ले जाते हैं। आपको पता है इस हवा में ऑक्सीजन होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है ना। तो जो हम एयर ब्रीद कर रहे हैं वो हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाती है और अल्टीमेटली सेल के पास पहुंच जाती है। इसलिए सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना टूटने लगता है, मतलब पचने लगता है। जो प्रोसेस होती है खाना टूटने की और फिर उससे एनर्जी रिलीज़ होने की क्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो हर एक सेल्स में होता है ऑर्गेनिज्म की। जो सेल्स हैं उसमें जो फूड है, फूड मतलब ग्लूकोज जो हमने खाया है खाना, वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाते हैं, है ना। जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी तो होगी ही होगी। तो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है, इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। जो भी खाना हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन के बिना, मतलब अगर हम ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे और खाना टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ये होता है ईस्ट में। ठीक है, तो इसको जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है उसको किस तरह से इक्वेशन में लिख सकते हैं, ग्लूकोज विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, एरो लगा के इंडिकेट करना है कि ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, मैंने बताया था यीस्ट है, जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उनको बोलते हैं एनएरोब्स। तो ये जो एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है इनको, ये विदाउट ऑक्सीजन ये खाने के ब्रेकडाउन से ही मिलती है। तो ग्लूकोज इनका किस तरह से टूटता है, एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ग्लूकोज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जब हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे तब क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। स्मेल आती है ना जब आप ऐसी सड़ी हुई कोई चीज़ देखते हो, फर्मेंटेड देखते हो। तो यीस्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है,
वो रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करती, और इस प्रोसेस में वो अल्कोहल रिलीज़ करती हैं, इसीलिए वो वाइन और बियर बनाने के काम आती हैं। जो हमारी मसल सेल हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, मतलब उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए करती हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सिर्फ तभी। और ये जो मसल्स में होता है ये हैवी एक्सरसाइज के टाइम भी होता है, जब हम तेज़ दौड़ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तेज़ आवर्स के लिए, कई घंटों के लिए, और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड, है ना, कम हो गई। तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में, ताकि एनर्जी की डिमांड पूरी हो सके। और ये रिएक्शन कैसे होती है, ग्लूकोज, हमने लिखना है नीचे, मसल्स में हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी मसल्स अकड़ क्यों जाती हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो जो ये क्रैम्प्स होती हैं, जो ये ऐंठन होती है मसल्स में, ये एनएरोबिकली रेस्पिरेशन की वजह से होती है, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ठीक है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज जो टूटती है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है ना, एसिड तो हमारे लिए वैसे ही अच्छा नहीं है, तो लैक्टिक एसिड जो अकोमुलेट हो रहा है मसल्स में, जो बन रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल क्रैम्प्स के लिए, ठीक है। जब हम इससे रिलीफ पाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो हॉट वाटर बाथ लेते हैं, ठीक है, या फिर मसाज करवाते हैं। आपको पता है इससे क्या हो जाता है, जो हॉट वाटर बाथ होता है या फिर मसाज होता है, इससे ब्लड सर्कुलेट करता है, जो हमारा खून है वो दौड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिलती है मसल्स को, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई है, इसकी वजह से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो टूट जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, और उससे हमारे क्रैम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करेंगे ब्रीथिंग की, ठीक है। इसमें कॉशंस, आपको क्या सावधानी बरतनी है, ये एक्टिविटी आपको किसी के सुपरविज़न में करनी है, टीचर के या पेरेंट्स की। क्लोज योर नॉस्ट्राइल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच, आपने अपनी नाक और मुंह को बंद करना है और वॉच की तरफ देखना है। आप फील क्या करोगे कुछ टाइम के बाद, कि आप ज़्यादा टाइम के लिए अपने दोनों चीज़ें नाक और मुंह को बंद करके नहीं रख सकती, तो आपने टाइम नोट करना है कि आप कितना टाइम अपना सांस होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि आप ज़्यादा लंबे समय तक बिना ब्रीदिंग के नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए ब्रीदिंग क्या होता है, हवा को अंदर ले जाना जो ऑक्सीजन में भरपूर है, और उस हवा को बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, तो जो हवा अंदर जा रही है ऑक्सीजन के साथ, और जो हवा बाहर आ रही है उसको, जो हवा अंदर जा रही है ऑक्सीजन लेके उसको कहते हैं इनहेलेशन, और जो बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर जो है वो होती है एक्सहेलेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और हमेशा चलती रहती है और जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। एक मिनट में कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा कितनी बार सांस ले रहा है उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होते हैं, ठीक है। ब्रीथ मींस इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक बार अंदर जाना और एक बार बाहर आना सांस का, ये होता है सांस लेना। तो क्या आप जानना चाहेंगे आप कितनी बार सांस लेते हैं, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टेंट है क्या ये सांस लेना, या फिर चेंज होता है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी को ज़्यादा सांस ऑक्सीजन चाहिए तो वो ज़्यादा टाइम सांस लेगी, या फिर कम ऑक्सीजन चाहिए तो कम सांस लेगी, क्या ये ऐसा होता है। चलिए इसका ये एक्टिविटी करके आंसर ढूंढते हैं। जनरली क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी ब्रीदिंग रेट क्या क्या है। आप सांस लें और छोड़ें तो आप देखें कि कितने बार आपने ब्रीद इन किया है और कितने बार आपने ब्रीद आउट किया है एक मिनट में। आप क्या सेम टाइम इनहेल कर रहे हो और सेम नंबर ऑफ टाइम आप एक्सहेल कर रहे हो। आप अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करें, नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट, और आप ये रनिंग के दौरान रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, ठीक है। आप उसको टेबल में लिख सकते हो, जो ये टेबल दी गई है नीचे, और आप कंपेयर भी कर सकते हो डिफरेंट कंडीशंस की, और अपने दोस्तों के जो रिज़ल्ट आते हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हो। जो ये एक्टिविटी है,
आपको रियलाइज़ करवा देगी कि जब एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी नीड होती है, जब ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीद करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है और जो हमारा खाना होता है स्पीड से ब्रेक डाउन होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि हमें हंगर फील क्यों होता है जब हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। तब जब आप सुस्त महसूस करते हैं, ड्रॉसी महसूस करते हैं, तब आप की सांस कम क्यों हो जाती है, धीरे क्यों हो जाती है? क्या आपकी बॉडी को तब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होती है? जब हम मतलब एवरेज जो होता है, जैसे एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो वो 15 से 18 टाइम एक मिनट में ब्रीथ करेगा, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के टाइम ये टाइम इंक्रीज हो जाता है और ये 25 टाइम पर मिनट ब्रीथ करेगा। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ना ही हम सिर्फ ज़्यादा टाइम सांस लेते हैं बल्कि ये डीप ब्रीथ हो जाती है, बहुत अंदर तक जो है ऑक्सीजन चली जाती है। तो है ना अच्छी बात, आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 10.3। ये एक्टिविटी में दिखाया गया है कि हम दिन में कितनी सारी एक्टिविटी करते हैं, है ना, कपड़े धोते हैं, सोते हैं, चलते हैं, भागते हैं, चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, पढ़ते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट सबसे कम हो जाएगा और कौन से में सबसे ज़्यादा हो जाएगा? तो आपने नंबर देना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिस एक्टिविटी से आपको धीरे धीरे सांस ले रहे हो उसको फर्स्ट नंबर देना है और फिर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जो सबसे तेज जो एक्टिविटी में सांस लेते हैं उसको फाइनल नंबर देना है। पहली जानना चाहते हैं कि जब हम सुस्त होते हैं, सोने वाले होते हैं, तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं, है ना, उबासी लेते हैं ना, तो वो क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। आपने लर्न किया होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, है ना। चलिए अब लर्न करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली हम सांस अंदर ले जाते हैं हमारे नाक से, है ना, नाक से इनहेल करके हम इसे पास कर देते हैं नेजल कैविटी में। ठीक, इसके बाद जो नेजल कैविटी है वो हमारे लंग्स में भेजती है इसको विंड पाइप के थ्रू। जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, हमारी छाती में। ठीक है, ये जो कैविटी होती है इसके चारों तरफ होती हैं रिब्स। ठीक है, बहुत सारी मसल्स होती हैं, मस्कुलर शीट होती है एक पूरी, उसको कहते हैं डायफ्रैगम। मसल से बनी होती है ये, तो ये क्या बनाती है, उस चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाती है। जब हम सांस लेते हैं तो मूवमेंट होती है किस किस की, इस डायफ्रैगम की जो कि मसल से बना होता है, और एक रिब की। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स अपर की तरफ मूवमेंट करती हैं, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, और डायफ्रैगम होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये हमारी जो छाती है उसमें चेस्ट कैविटी में स्पेस को इनक्रीज करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर लंग्स में आ सके। तो लंग्स क्या होते हैं, ये एयर से फिल हो जाते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और अंदर की तरफ चली जाती हैं, और जो हमारा डायफ्रैगम होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो इससे रिड्यूस होता है हमारी चेस्ट का, छाती का जो कैविटी है उसका स्पेस, और इससे हवा जो होती है वो बाहर आ जाती है लंग्स से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये जो मोमेंट होते हैं हमारी बॉडी में ये हम महसूस कर सकते हैं आसानी से। आप एक गहरी सांस लें और अपनी जो हथेली है उसको अपने पेट पे रखें, अब आप फूल महसूस कर सकते हैं, जो एब्डोमेन का मूवमेंट है वो भी महसूस करते हैं। आपको कैसा लगेगा जब आप ये सीख लोगे कि ब्रीदिंग में किस तरह से चेंजेस होते हैं साइज चेस्ट कैविटी में? चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करें, बाकी बच्चों को भी, अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करो और कंपटीशन करते हैं। चलो, जो स्मोकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है ना, तो इससे क्या होता है, कैंसर से लिंक्ड होती है ये, कैंसर से जुड़ी होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें कैंसर हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये इसीलिए ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ताकि आप बच्चों को पता चल जाए। हर कोई डिंग मार रहा था कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है अपनी चेस्ट को सांस लेने में। ठीक है, तो आपने एक्टिविटी में अपने क्लासमेट से क्या पाया? ठीक है, एक्टिविटी करनी है ना। फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है इस बॉक्स में। जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं उसमें अनवांटेड पार्टिकल होते हैं बहुत सारे, जैसे कि स्मोक होता है, डस्ट होता है, पोलन्स होते हैं, है ना। तो जब हम अंदर ले जाते हैं तो ये पार्टिकल ट्रैप कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं उनके द्वारा। लेकिन फिर भी कभी कभी ये जो पार्टिकल हैं नाक के, जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो और अंदर चले जाते हैं और ये इरीटेट करते हैं हमारी जो कैविटी की लाइनिंग है उनको। इसकी वजह से हमें फिर छींक आती है। तो हम जब स्नीजिंग करते
करते हैं तो एक्सपेल करते हैं इन पार्टिकल्स को जो एयर के साथ अंदर चले जाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं छींक के थ्रू, ठीक है। और फिर हम क्लीन फ्री एयर को अंदर लेके जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप सांस लें तो अपनी नाक को ढक के रखें ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो आपकी नाक के से बाहर निकल के किसी दूसरे के शरीर में ना जाएँ। एक्टिविटी 10.4 देखते हैं। आप गहरी सांस लें और मेज़र करें अपने चेस्ट को मेजरिंग टेप से और रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशन 10.2 में, जैसे बनाया गया है टेबल को उसमें, और मेज़र करें साइज़ का, चेस्ट की साइज़ को जब आप एक्सपेंड करते हैं। इससे इंडिकेट जो क्लासमेट है उनका मैक्सिमम एक्सपेंशन चेस्ट का इंडिकेट करें। तो आप क्या समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सिंपल मॉडल से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपने इनहेलेशन के दौरान चेस्ट का साइज़ कितना है और एक्सहेलेशन के दौरान, और फिर उसका डिफरेंस जो है वो भी इसमें लिखना है। डिफरेंट क्लासमेट्स होंगे आपके कई, उनके साथ भी आपने ये एक्टिविटी करनी है। चलिए 10.5 देखते हैं। आपने एक चौड़ी से प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसकी बॉटम को रिमूव कर देना है, ठीक है। आपने फिर एक वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लेनी है और इसमें एक होल बनाना है ताकि जो लीड है, इसकी लीड में होल बनाना है ताकि जो ट्यूब है वो इसमें से पास हो सके। जो फोक्ड एंड है ट्यूब के, इसमें डिफ्लेटेड बलून्स इंट्रोड्यूस करने हैं, लगाने हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब को बोतल में लगाना है जैसे फिगर 10.7 में दिया गया है। अब इस बोतल पे कैप लगा देनी है, ठीक है, सील करना है ताकि इसमें एयर अंदर ना जा सके, एयर टाइट करना है। जो ओपन बेस है उसका, ठीक है, उसको एक थिन रबर से बांध देना है या फिर प्लास्टिक शीट से रबर बैंड को यूज़ करके बांध देना है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लंग्स हैं उनको समझना है। जैसे हम पुल करेंगे रबर शीट को तो जो रबर जो बलून्स हैं अंदर उनकी शेप में क्या चेंज आएगा, फिर हम उसे पुश करेंगे दोबारा से तो बलून्स में क्या चेंज में बलून्स की शेप में क्या चेंज होगा, ये देखना है। तो क्या आप कोई जो चेंज देखते हो उससे आप ये बताओ कि जो बलून्स हैं इस मॉडल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रबर सीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़म है उसको इस एक्टिविटी के थ्रू। तो हम जो 10.4 में है, व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम बाहर क्या भेजते हैं। एक्टिविटी 10.6 देखेंगे। इसके लिए आप एक सिलेंडर लें और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लें या फिर प्लास्टिक बोतल लें या ग्लास लें और एक होल बनाएं इसकी लेड में। अब इसको फिक्स करें बोतल में। अब इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर है वो इस टेस्ट ट्यूब में डाल दें। फिर जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसको इस होल के थ्रू उस लीड में डालें और इस तरह से डालना है कि वो उसके पानी में डिप हो जाए। आप फिर जेंटली इस स्ट्रो के थ्रू कई बार फोंक मारेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जो लाइम वाटर है उसमें अपीयरेंस में, मतलब दिखने में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं उसके कलर में। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये किस बेसिस पे हुए हैं, जो आपने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, है ना। आप इस बात के लिए तो अवेयर हैं कि जो एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो एक गैसेस का मिक्सचर है। तो हम जो एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मिक्सचर ऑफ गैसेस और भी होता है इसके साथ कुछ, लेकिन मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपने ऑब्जर्व करना है जब आप एक्सहेल करते हैं तो मॉइस्चर भी सरफेस पे, जैसे शीशे के सामने सांस लोगे तो मॉइस्चर अपीयर। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो हम सांस अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं वो मिक्सचर है गैसेस का। अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन रह जाती है अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप शीशे के सामने सांस लेंगे और उस पर थोड़ा सा इंप्रेशन जाएगा तो उसमें लगेगा कि आपको मॉइस्चर भी है। तो ये मॉइस्चर कहाँ से आया, बूझो जानना चाहता है कि जो एयर है अपने लंग्स में होल्ड करके रख सकता है कोई इंसान, मतलब पकड़ के रख सकता है, ठीक है। इसके पहले हम ये ब्लू बॉक्स देखेंगे। परसेंटेज है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए।
तो ब्रीदिंग जो होती है अदर एनिमल्स में वो देखेंगे, जैसे कि एलिफेंट है, लायन है, काव है, गोट है, फ्रॉग, लेजर्ड है ना, स्नेक, बर्ड, इसमें जो होते हैं चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल किस तरह से ये ब्रीथ करते हैं, क्या उनके पास भी लंग्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में होते हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैसे कॉकरोच से शुरू करेंगे, कॉकरोच जो है स्मॉल ओपनिंग होती है इसकी बॉडी के साइड्स में, ठीक है, जो अदर इंसेक्ट होते हैं उनमें भी सेम तरह की ओपनिंग होती है। पूछो जानना चाहते हैं कि जो कॉकरोच, स्नेल, फिशेस, अर्थ वर्म, आंट, मॉस्किटोज होते हैं, क्या इनके पास भी लंग्स होते हैं? और हम बात कर रहे थे कॉकरोच की, जो इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है साइड में, इनको बोलते हैं स्पायरिकल। तो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पायर बोलते हैं ना, तो स्पायर से स्पायरिकल, इस तरह से याद करना। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया और स्पायरिकल आप दोनों याद कर लोगे, लेकिन पहले पता नहीं चलेगा ना कौन सी चीज़ है, तो हमें तो सिंपल करना है इसे। तो स्पायरिकल है रेस्पायर में, RESPIRE, आर ई को कट करो और स्पायर से स्पायरिकल। स्पायरिकल के बाद एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन एयर में रीच होती है वो स्पायरिकल के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में चली जाती है और डिफ्यूज हो जाती है वहाँ बॉडी टिश्यूज में और हर एक सेल के पास पहुँच जाती है बॉडी में। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल्स की, वो ट्रैकियल ट्यूब में आती है और वो फिर स्पायरिकल के थ्रू बाहर निकल जाती है। जो ये एयर ट्यूब्स होती हैं जिनको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक कह सकते हैं आप इनको, ट्रैक जैसे एक लाइन होती है, आपको समझ आता है कि ट्रैक क्या होता है, तो उसी तरह से ये जो ट्यूब्स होती हैं ये इंसेक्ट में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, और किसी एनिमल्स में होती ही नहीं है ये। तो हम ये तो पढ़ रहे थे कॉकरोच की बात, अब पढ़ेंगे हम अर्थवर्म की। आपने चैप्टर 9th में, क्लास 11th में देखेंगे कि जो अर्थवर्म है वो अपनी स्किन से सांस लेता है, उसकी स्किन होती है सांस लेने के लिए, तो वो मॉइस्ट जो गीला फील करती है, मतलब गीली सी होती है, स्लेम होती है जब हम। लेकिन जो फ्रॉग है वो क्या कर सकता है, उसके पास तो लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, है ना, तो वो ब्रीद कर सकते हैं अपनी स्किन से भी, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, लेकिन फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं। तो वो जो देने देखा था टेलीविज़न प्रोग्राम में कि जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं वो पानी से बाहर भी आ जाती हैं, क्या करती हैं जब पानी से बाहर आती हैं तो फाउंटेन रिलीज़ करती हैं, पानी का फवारा सा छोड़ती हैं ऊपर की तरफ, तो ऐसा क्यों करती हैं? अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे ब्रीदिंग किस तरह से होती है, क्या आप और हम ब्रीद कर सकते हैं पानी के अंदर? या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं और वो पानी के अंदर ही सांस लेते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फिश होती हैं उसमें गिल्स होते हैं जो उनको हेल्प करती है ऑक्सीजन यूज़ करने में, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, पानी में जो डिजोल्व होती है वो वहाँ से लेती है। तो जो गिल्स होते हैं वो प्रोजेक्शंस होती हैं स्किन की, मतलब स्किन के ही हिस्से होते हैं ऐसे निकले हुए। तो ये गिल्स अब किस तरह से ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं हम यहाँ पढ़ेंगे। जो गिल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स से बहुत अच्छे से सप्लाइड होती हैं ताकि उनमें गैसेस का एक्सचेंज हो सके, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, सप्लाई रहती है उनकी, ठीक है। इसलिए प्लांट किस तरह से रेस्पायर करेंगे अब हम पढ़ेंगे। जैसे दूसरे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, प्लांट भी अपने जीने के लिए रेस्पायर करते हैं, जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा था, वो भी हवा से जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को लेती हैं ग्लूकोज को तोड़ने में, और ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो प्लांट में हर एक पार्ट जो होता है इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। हमारे शरीर में तो ऐसा नहीं होता, हर एक सेल्स बाहर से अकेले से ले रही है ऑक्सीजन और हर एक सेल छोड़ रही है, हम तो नाक से ही सांस लेते हैं और एयर ले जाते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1st में, जो लीव्स होती हैं उनके पास टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रोमेटा, पढ़ा था ना। तो ये स्ट्रोमेटा एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। अब पहेली को फिर से कुछ दिमाग में आ रहा है ना, पहेली जानना चाहती है कि जो रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड है ज़मीन के नीचे हैं, क्या वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, और अगर लेती हैं तो किस तरह से। तो आगे पढ़ेंगे
कि जैसे दूसरे लिविंग सेल्स होती हैं प्लांट में, उसी तरह से रूट भी हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जनरेट करने के लिए एनर्जी को, ठीक है। तो रूट क्या करती हैं, एयर लेती हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं सोयल पार्टिकल में, है ना। हमने पढ़ा था सोयल वाले चैप्टर में कि उसमें जो सैंडी सॉइल होती है बहुत ज़्यादा एयर होती है वहाँ पे, और बाकी सॉइल्स में भी होती है लेकिन कम होती है। तो ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया, इसमें सॉइल पार्टिकल है और ये रूट हेयर इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप गैस कर सकते हो क्या होगा अगर पोटेड प्लांट, जो गमले में प्लांट लगा दिए, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा पानी दे दें, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको रेस्पिरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि एनर्जी है उनको सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, वो उन्हें मिलती रहे। अब जो कीवर्ड्स हैं हमने पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो नाम से ही पता चलता है, जिसमें एयर है एरोबिक, ऑक्सीजन है एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो एनएरोबिक। ब्रीदिंग रेट मतलब एक मिनट में हम कितना सांस ले रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, हर एक सेल्स का रेस्पिरेशन करना और ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी रिलीज करना। डायफ्रागम क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन। एक्सेलेशन क्या होता है, सांस छोड़ना। गिल्स क्या होते हैं, सांस लेने के ही होते हैं, फिशेस में जो ऑर्गन होते हैं गिल्स कहते हैं, है ना। लंग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग में, फ्रॉग में, और हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लायन, गॉट वगैरह, उनमें होती है। इनहेलेशन क्या होता है, सांस लेना। स्पायरिकल क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं कॉकरोचेस में, आउटवर्ड जो ओपनिंग होती है उनको स्पायरिकल बोलते हैं, और जो उसमें ट्यूब होती है उनको ट्रैकिया बोलते हैं। रिब्स क्या होती हैं, रिब्स तो ह्यूमन बींग में होती हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आप ये खुद पढ़ेंगे, और इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर कोचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन अगर साथ में आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे लिख के ज़रूर भेजें, और मैं जल्दी ही एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो बच्चे नीट का और नेट का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, है ना, उनके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज़ अपलोड करूँगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।